आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एक क्राइम इंसिडेंट सामने आया, एक मर्डर इंसिडेंट सामने आया, जिसमें लगभग 35 साल उम्र बताई जा रही थी एजाज अहमद भट्ट नामी शख्स को, जो विक्टिम बताया जा रहा है, उसका कत्ल किया गया सरेआम। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है SP साउथ श्रीनगर गौरव सिकारवर साहब। आपसे जानना चाहेंगे, आपको इस मर्डर इंसिडेंट के बारे में कब पता चला और जिस तरीके से आपने कुछ ही घंटों में जो है अक्यूज को अरेस्ट किया है, थोड़ा सा उस बारे में जानकारी दे दीजिए। कल शाम 6 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक अनकॉन्शियस बॉडी मिली है मोमिनाबाद लेन 2 में, और उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने बताया कि इसकी बॉडी पे मल्टीपल बोन इंजरीज हैं जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। हमने इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस में लाया, फिर मल्टीपल जो हमारे पास लोकल्स हैं वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ मल्टीपल CCTV कैमरेज हैं उसके एनालिसिस किया, और टेक्निकल रिसोर्सेज जैसे टावर है, ट्रैफिक है, CDR है, उनको एनालिसिस करके हमने कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया। उनसे जब बात की, उनको इंटरोगेट किया, तो उसमें से एक ने कन्फेश किया वॉलंटरली कि कैसे वो रिलेशन में था विक्टिम की बच्ची के साथ, और उसके बेसिस पे जो विक्टिम था वो अपोज कर रहा था रिलेशनशिप को। काफ़ी लंबे टाइम से उसके मन में था कि मैं इससे बदला लूँगा, और उससे काफ़ी लंबे टाइम से रेकी भी की थी, और इसीलिए इसने कुछ टाइम पहले एक चाकू भी खरीद के रखा था। तो और ये चाकू हमेशा अपने साथ लेके घूमता था, अपने बैग में ही रखता था। इसने और भी पहले भी अटेम्प्ट मौके खोजे, लेकिन मौके से मिले नहीं। तो कल शाम को जब ये विक्टिम की बेटी से मिलने गया वहाँ पे, तो विक्टिम ने देखा और उसने अपोज किया, इसके बीच में इनकी हाथापाई भी हुई, और उस टाइम पे इसको मौका मिला, गली सुनसान थी, वहाँ कोई था नहीं, अकेले देख के उसने कई मल्टीपल अटैक किए उसके ऊपर, जिससे गर्दन पे, चेस्ट पे, और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। क्या सर हम ये समझ सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश थी और उसी के तहत ये किया गया? ये प्लानिंग काफ़ी लंबे टाइम से थी इसकी, एक रिवेंज के तहत इसका था कि मैं बदला लूँगा। बाकी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे भी कुछ आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि क्या जो विक्टिम की बेटी है उसको पता था इस सब के बारे में कि ये ऐसा कुछ करने वाला है, या इसने कुछ महीने पहले ही चाकू खरीद के रखा है, ऐसी प्लानिंग चल रही है, मर्डर प्लानिंग चल रही है? उसको थोड़ा नाराज था, उसको ये पता था कि ये गुस्से में रहता है, उससे कुछ करने की कोशिश है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऐसा अंजाम देगी। जब वो दूर से उसने देखा इसको, जब इनकी लड़ाई हुई तो वो वहाँ से चली गई, उसने देखा दूर से इसे अटैक करते, उसने चिल्लाया, उसने लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गया, और उसके बेसिस पे हमने उससे बातचीत की है, हमें निकल के आया है, और फर्दर हम उसको जानकारी ले रहे हैं। और सब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, जो विक्टिम की जो बेटी है और इस अक्यूज्ड के बीच में? मैम ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। बाकी कुछ रिलेशन था, क्या कोई लव अफेयर था? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे भी हमें कुछ पता लगे हम आपको बताएंगे इसमें। अच्छा, इसमें जो अक्यूज्ड है, क्या उसका कोई ड्रग एडिक्शन से कोई ताल्लुक? नहीं, ऐसा कोई इसका कोई ड्रग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि CCTV ने बहुत मदद दिया है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और जिसकी वजह से जो है आपने जल्दी ही अक्यूज को पकड़ा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों तक, क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? काफ़ी लंबे टाइम से श्रीनगर पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक हम लोगों को अवेयर करते आए हैं CCTV कितना इम्पोर्टेंट है, आपके यहाँ जो भी केसेस होते हैं उसको हेल्प करने में पुलिस की काफ़ी हेल्प होती है, और पिछले कुछ थेफ्ट केसेस भी हुए थे जिसमें हमने एक अच्छी CCTV की हेल्प से रिकवरी की, हमने जो अक्यूज था उसको अरेस्ट किया। आज भी हमने देखा कि CCTV आर वेरी यूजफुल, उनकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। तो जिनके यहाँ CCTV हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा CCTV लगाएं, तो एक आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है, कोई थेफ्ट होने से रुकते हैं, एक डिटरेंट इफेक्ट है इसका CCTV का। तो सारे लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये पुलिस को भी हेल्प होता है, सबसे ज़्यादा आपकी भी हेल्प होती है। और कल इसका देखा, क्योंकि जिस जगह स्पॉट हुआ वो स्पॉट कई सारे लोगों ने CCTV लगाए थे, जिससे हमें हेल्प हुई है। अच्छा सर, एक अहम सवाल है जो हमारे लोग भी पूछ रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं, आप आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं कर रहे हैं अक्यूज्ड की, क्या हम ये समझे कि वो माइनर है? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विद पीरियड ऑफ टाइम हम आपको बताएंगे। और आपको यूजुअली हम देखते हैं जब भी ऐसा कोई क्राइम इंसिडेंट होता है, श्रीनगर पुलिस ट्वीट करके बताती है, आइडेंटिफाई रिवील करती है, लेकिन इसमें कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं की है आपने? ये हम विद पीरियड ऑफ टाइम हम रिवील करेंगे,
तब तक ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एसपी साहब। तो इनका कहना है कि अक्यूज का रिलेशन विक्टिम की डॉटर के साथ था और चूंकि जो विक्टिम है वो सेटिस्फाई नहीं था, खुश नहीं था इनके रिलेशन से, तो ये एक सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग के तहत जो है विक्टिम को मारा गया है। चूंकि चाकू पहले ही लाया गया था और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने जो चाकू है वो भी बरामद किया है, उनसे उनके जो ट्राउजर से खून में लथपथ वो भी बरामद किए हैं अक्यूज से, और इन्होंने सीसीटीवी फुटेज से जो है इनको इन्वेस्टिगेशन में मदद मिली है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा जो अक्यूज्ड है उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने ये क्राइम किया है। इसी न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।